ये मेरे पिता के शौर्य की दास्तां है, जब देश सेवा के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत ही ब्रेव ऑपरेशन था ये, और इससे पहले ये हुआ भी नहीं था, फर्स्ट टाइम इस तरह का ऑपरेशन हुआ था। दिसंबर 1971 को सुबह 7 बजे 10 पैरा एसएफ के कुछ कमांडोज अपने एक मिशन पर स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक एक पास के रेत के टीले पर लगी एक एमएमजी से उनके ऊपर हैवी फायरिंग शुरू हो जाती है। अभी इंडियन कमांडोज कवर लेने के लिए ऑप्शंस ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक एक एलएमजी माउंटेड जोंगा तेजी से दुश्मन की पोजीशन की तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये आज से ठीक 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी है। ये स्ट्राइक 6 दिसंबर 1971 से 10 दिसंबर 1971 यानी 4 दिन तक चली थी। इस अकेले हमले ने पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा जमीन जीती थी। ये हौसलों, रफ्तार और रणनीतिक चालों की ऐतिहासिक कहानी है। आज हम आपको 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में थार का रेगिस्तान है, एक राजा है और एक राजस्थानी रॉबिनहुड है। ये सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन के इलाके में 2 या 4 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर की गई थी, और मुकाबले में दुश्मन की सेना के साथ हजारों की तादाद में हथियारबंद घुड़सवार जत्थे भी थे। थार रेगिस्तान के बीच से भारत और पाकिस्तान की सरहद गुजरती है। सरहद के इस पार राजस्थान का बाड़मेर और दूसरी ओर सिंध का थार पारकर इलाका है। यही इलाका 1971 की जंग में एक दुस्साहसी कार्रवाई का गवाह बना। यहां 10वीं पैराशूट रेजिमेंट ने दुश्मन के इलाके में 4 दिन तक दिन रात जंग करके पाकिस्तान के 3600 वर्ग किलोमीटर इलाके को छीन लिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हवाई हमला कर युद्ध की शुरुआत कर दी। भारतीय सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर तेजी से कार्रवाई की। यहां बाड़मेर से ही 10 पैरा ने हमले की शुरुआत की थी, और 4 दिन बाद पाकिस्तानी रेंजर्स की 2 बटालियनों को हराकर 17 युद्धबंदी और भारी मात्रा में पाकिस्तान के जंगी साजो सामान के साथ बाड़मेर से ही भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी। सरहद के उस पार सबसे डेयरिंग हमले का फैसला लिया जा चुका था। अब भारतीय सेना को जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो थार के रेगिस्तान का चप्पा चप्पा जानता हो, और जो सरहद के उस पार भी थार रेगिस्तान की वीरानी में चुपचाप और बहुत जल्द भारतीय सेना को उसके ठिकाने तक पहुंचा सके और उसके बाद उसको सुरक्षित वापस ला सके। भारतीय सेना की ये तलाश बहुत जल्द पूरी हो गई। यानी छाछरों पर हुए हमले की कहानी का भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे एक छोटे से रेगिस्तानी गांव बाखासर से खास रिश्ता है। यहां ठाकुर बलवंत सिंह बाखासर के घर से इस ऑपरेशन की कहानी का सिरा मिलता है। पूरे सिंध पे जो नगर पारकर डिस्ट्रिक्ट अभी कहते हैं और मीरपुर खास, छाछरों तक अपनी फौज पहुंच गई और छाछरों पे अपना कब्जा हो गया। पाकिस्तान की फौज बॉर्डर की तरफ थी, तो अपनी फौज अंदर की तरफ से जब सामने आई तो उन्होंने सोचा कि हमारी फौज हमारी मदद करने के लिए आ रही, जबकि अपनी फौज रण के रास्ते से अंदर ऊपर चली गई थी। उस फौज ने उल्टा अटैक इन पे किया, जो सिंध पूरा हिंदुस्तान के कब्जे में हो गया। अपने यहाँ से वहाँ कलेक्टर नियुक्त हुए, पुलिस व्यवस्था नियुक्त हुई, वहाँ अपने पुलिस स्टेशन नियुक्त हुए, अपनी 6 महीना भारत की पूरी शासन व्यवस्था वहाँ चली। हमले में जोंगा जैसी जीपों का इस्तेमाल किया गया था, और पूरे हमले का नेतृत्व जयपुर के महाराजा स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने किया था।
जो उस समय 10 पैरा को कमांड कर रहे थे। हमले में कमांडो फोर्स पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर गई थी और छाछरों के बाद वीरवाह और अमरकोट पर भी कब्जा किया गया था। चाल कामयाब हो गई। वीरवाह और आसपास के इलाके में तैनात पाकिस्तान की पूरी बटालियन के पैर उखड़ गए। 10 पैरा अब तक दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर तक घुस चुकी थी। कब्जा किए हुए इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए तब तक भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियां पहुंचने लगी थी। 10 दिसंबर को 10 पैरा उसी खामोशी के साथ भारतीय सीमा में वापस लौट आई जैसे गई थी और इस तरह से छाछरों पर स्ट्राइक पूरी तरह कामयाब रही। सिंध के थार पारकर जिले का 3,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका 1972 तक भारत के कब्जे में रहा। कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया। इसके अलावा 2 वीर चक्र और 3 सेना मेडल भी 10 पैरा को मिले। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ और मैं देश की सेवा करना जानती हूँ। मेरे पिता ने देश की सेवा बिना स्वार्थ के करी और मैंने भी सवाई माधोपुर की जनता की 5 सालों तक बिना स्वार्थ के सेवा करी और मैं अब राजसमंद की जनता की भी निस्वार्थ सेवा करना चाहती हूँ।